नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू JPT के डबल मोटर कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर की। तो दोस्तों ये है बॉक्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स है और मैं इस वैक्यूम क्लीनर को काफ़ी देर पहले मंगवा चुका था, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया ये ऐसे ही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने इसे अपनी वर्कशॉप के लिए मंगवाया हुआ था। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स जानते होंगे कि मैं अपनी वर्कशॉप सेटअप कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा था कि वहीं पर हम अनबॉक्सिंग करेंगे, बट दोस्तों बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो ओपनिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने आज सोचा कि आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके मैं दिखा देता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने ट्रिपल मोटर वैक्यूम क्लीनर भी मंगवाया हुआ था, वो मैंने अपने फ्रेंड के लिए मंगवाया हुआ था, उसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिखाया था। तो आज बट हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और पूरा अच्छी तरह से इस वैक्यूम क्लीनर को चेक करते हैं। तो इस तरह से बॉक्स ओपन होता है, बॉक्स के अंदर देखिए वैक्यूम क्लीनर जो है सिक्योरली एंड स्नगली पैक किया गया हुआ, जो भी ओपन स्पेसेस हैं उनको भरने की कोशिश की गई हुई है। इनके अलावा भी जो थर्मोकोल की प्रोटेक्शन ऊपर से दी गई हुई थी वो वैक्यूम क्लीनर की बॉडी को अपनी जगह पे ही होल्ड करके रखती है। तो चलिए जल्दी से वैक्यूम क्लीनर की बॉडी को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और एक्सेसरीज़ को भी निकालते हैं और देखते हैं कि कैसा वैक्यूम क्लीनर है, क्या साइज़ है और क्या क्या एक्सेसरीज हमको मिलती हैं इसमें। तो दोस्तों ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर, काफ़ी बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, डबल मोटर के साथ आता है और वेट में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैं एक बार ही चारों तरफ से आपको दिखा दूँ, तो ये इसका फ्रंट साइड है, तो ऊपर आप दो स्विचेस देख सकते हैं डबल मोटर्स के लिए। ये इसकी साइड प्रोफाइल है, पीछे इसका हैंडल दिया हुआ है जहाँ से पकड़ के आप इसे चलाएंगे क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ये इसकी वायर दी गई हुई है, ऑलमोस्ट 5 या 6 मीटर तक लेंथ होगी इस वायर की, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी वायर भी है। ये ऑन ऑफ के स्विचेस हैं दोनों मोटर्स के लिए, इंडिविजुअली आप चला सकते हैं मोटर्स को। ये लैचेस दिए हुए हैं साइड में और ये हमारा हैंडल है। और नीचे की बात करें तो नीचे काफ़ी हैवी ड्यूटी व्हील्स दिए गए हुए हैं जो इसके हैवी वेट को बेयर कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो है एज़ इट इज़ काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन जब इसके अंदर हम डस्ट एंड डेब्रिस फिल हो जाएगा हमारी वर्कशॉप का, तो इसका वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसके व्हील्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड, हैवी ड्यूटी और स्टर्डी दिए हुए हैं। और दोस्तों क्योंकि ये ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए जब इससे आप वेट वैक्यूमिंग कर रहे हों तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे ओवरफ्लो होज भी दी हुई है, जिसको वेट वैक्यूमिंग के समय आपको ओपन करके छोड़ देना है ताकि इलेक्ट्रिक सर्किटरी को कोई भी डैमेज ना हो जब पानी इसमें भर जाए। तो चलिए दोस्तों अब लैचेस को ओपन करते हैं और इसके हेड को रिमूव करते हैं, अंदर से फ़िल्टर वगैरह चेक करते हैं और एक्सेसरीज भी अंदर ही हैं ड्रम के, तो वो भी हम चेक करते हैं। तो लैचेस को ओपन करके ये हेड को आपने लिफ्ट करना है, तो हेड के अंदर टिल्ट प्रोटेक्शन वैल्व भी दी गई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका काफ़ी बड़ा और मैसिव फिल्टर, तो ये डस्ट एंड डेब्री को ड्रम के अंदर ही फिल्टर कर देता है और ऊपर जो एयर आती है वो एकदम क्लीन एयर आती है। तो इस फिल्टर को जब आप हटाएंगे तो आपको नीचे ड्रम के अंदर बाकी सारी एक्सेसरीज़ जो हैं वो दिख जाएंगी। तो चलिए एक्सेसरीज़ को भी वन बाय वन निकालते हैं और क्वालिटी उनकी भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ये कर्विस नोज़ल, तो ये टाइट एंड इनएक्सेसिबल प्लेसेस में पहुंचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये होज पाइप के आगे आप कनेक्ट कर लेंगे आराम से। उसके बाद होज पाइप इटसेल्फ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होज पाइप है, एंटी क्रश है, इसके ऊपर पाँव भी पड़ता है तो कुछ नहीं होगा इसको। और इसकी लेंथ जो है तकरीबन 2 से 2.5 मीटर तक की मुझे लग रही है। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये ब्रश अटैचमेंट, तो कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ यही है, सीट्स एंड मैट्स को साफ़ करने के लिए यही ज़्यादा यूज़ होती है। और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। और इसके बाद आता है हमारा ये कारपेट अटैचमेंट, जिसको लगा के आप कारपेट वगैरह को भी साफ़ कर सकते हैं। इसके आगे ब्रशेस दिए हुए हैं और व्हील्स भी दिए हुए हैं फॉर मोबिलिटी, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये वेट फ्लोर क्लीनिंग अटैचमेंट, तो इसमें ये वाइपर्स टाइप के दिए हुए हैं, तो अगर जो फ्लोर है उस पर कोई लिक्विड गिर जाए तो इस अटैचमेंट से आप क्लीन कर सकते हैं। और इनके अलावा ये दो पाइप्स भी दी हुई हैं जो स्टेनलेस स्टील की हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजेबल आइटम है। तो अगर आपको फ्लोर की क्लीनिंग करनी है चाहे ड्राई या चाहे वेट, तब आपको ये दो रॉड्स जो हैं
वो कनेक्ट करनी होती है ऐसे एस शेप में, और ब्रश या फिर वाइपर अटैचमेंट आगे लगा के आपको क्लीनिंग करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ लिक्विड ओवरफ्लो होज, और ये इसके अंदर का पोर्ट है, यहीं से पानी जो है एक्स्ट्रा एक्सेसिव वो बाहर निकलेगा। और इसके बाद ये है जो वैक्यूमिंग का जो होल दिया हुआ है वो ये है, इसके थ्रू ही डस्ट एंड डेब्री ड्रम के अंदर जाएगा। तो अब दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो दे दिया हुआ है, अब दोनों मोटर्स को ऑन करके चेक करते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब इसकी होज पाइप कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसे यूज़ करके देख लेते हैं। दोस्तों होज पाइप को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर ये स्विच दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे और होज पाइप को बाहर खींचेंगे, आराम से होज पाइप बाहर आ जाएगी। सिंपली अंदर पुश करेंगे और होज पाइप कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब क्लीनिंग करने के लिए मोटर्स को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और कंकर पड़ा हुआ है, तो पहले बिना ब्रश के करते हैं। तो बिना ब्रश के बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बट ब्रश लगा के ही आप इफ़ेक्टिवली क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ब्रश लगाया और एक या दो वाइप्स में ही पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्लीन हो जाता है। तो कमर्शियल वैक्यूम क्लीनिंग में टाइम की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दोस्तों नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर अगर आप लेते तो यही काम करने के लिए आपको 3 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पर कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर में आपका टाइम जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और सक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जो एक ही वाइप में पूरा का पूरा मिट्टी पत्थर वगैरह छोटा मोटा जो भी पड़ा हुआ गाड़ी के अंदर उसको सक कर लेती है। तो कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर होने की वजह से इंटीरियर क्लीनिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा आसान बात हो जाती है। दोस्तों अब कुछ फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मॉडल नंबर जो है इस वैक्यूम क्लीनर का वो है KVC60, क्योंकि ये 60 लीटर्स का है। इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो परफेक्ट इंडियन कंडीशन वाली ही है, 220 टू 240 फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है। और इसकी जो टोटल वाटेज है दोनों मोटर्स की वो है 2300 वाट्स, दैट मीन्स एक मोटर की वाटेज जो है वो 1150। तो दोस्तों इसके कंपैरिजन में जो ट्रिपल मोटर वाला वैक्यूम क्लीनर है जो मैंने इससे पहले रिव्यू किया था उसकी टोटल वाटेज थी 3200 वाट्स, और उसकी जो सिंगल मोटर की दैट मीन्स जो वाटेज थी वो थी 1066। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल मोटर जो दी गई हुई है वो थोड़ी सी उससे वाटेज जो है वो ज़्यादा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो है 60 लीटर इसकी कैपेसिटी, IPX4 वाटरप्रूफिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसके अंदर, और उसके बाद इसका सीरियल नंबर वगैरह बताया हुआ है। और एंड में मैं आपको व्हील्स भी दिखा दूं, तो ये बॉटम साइड है वैक्यूम क्लीनर की, तो व्हील्स देख सकते हैं कितने स्टर्डी हैं, और ड्रम जो है वो रस्ट प्रूफ कोटिंग भी की गई हुई है, और स्पेशली ये चेन दी गई हुई है जो अर्थिंग का काम करती है, और फ्रंट वाला व्हील दिया वो भी हैवी ड्यूटी वाला है। तो दोस्तों आप भी अगर मेरी तरह इस डबल मोटर वैक्यूम क्लीनर या फिर इसका बड़ा भाई जो है ट्रिपल मोटर वैक्यूम क्लीनर, उन दोनों में से किसी को भी ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JPT कंपनी का नंबर ड्रॉप कर दूंगा, उनको कॉल करके आप इन दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स को ख़रीद सकते हैं। प्राइसिंग अगर अप्रॉक्सीमेट मैं बात करूँ तो आज की डेट के आसपास आपको अप्रॉक्सीमेट प्राइस जो है डबल मोटर वाले की वो 20,000 पड़ जाएगी, और ट्रिपल मोटर वाले की अभी अभी प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसकी 28,000 के आसपास पड़ेगी आपको। बट एग्जैक्ट क्या पड़ती है वो आपको सेलर ही बताएंगे, और ये प्राइसेस जो हैं GST इंक्लूसिव हैं, बट इसमें शिपिंग जो है वो एक्स्ट्रा लगती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कमर्शियल वॉशिंग बिजनेस में लगने वाले इक्विपमेंट के बारे में मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय।